डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग दो सीधी लाइन स्केल से खींचेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद आप पहाड़ जैसी संरचना बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप ए बनाते हैं लेफ्ट और राइट साइड, और इस तरीके से हम लोग तीन पहाड़ बना के पूरा करेंगे जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद हम लोग बाएं साइड भी कुछ इसी तरीके से पहाड़ बनाएंगे तीन, इस तरीके से मोड़ते हुए कुछ एक ही आकृति में जैसा कि हम लोगों ने दाएं साइड बनाया हुआ था। उसके बाद बाएं साइड वाली लाइन को हम लोग डबल करेंगे कुछ इस तरीके से। मोटा करते वक्त आप एक बात का ध्यान देंगे, जब आप किनारे तक पहुंच रहे हैं तो उसको ओवरलैप करते हुए चढ़ाइएगा, ठीक ना, जैसे कि मैं यहाँ पे चढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। मोटा करते वक्त आप देखेंगे जरूर से कि आप ओवरलैप करते हुए ही चढ़ाइएगा। उसके बाद हम लोग दाएं साइड भी कुछ इसी तरीके से ओवरलैप करते हुए क्या कहते हैं इसको हम लोग डबल करेंगे या फिर मोटा करेंगे एक परत। और इसके बाद हम लोग दोनों लाइनों को इरेज कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है नीचे तरफ उसको हम लोग कुछ इस तरीके से इरेज करके हटा देंगे। इसके बाद हम लोग ऊपर की ओवरलैपिंग को इरेज करेंगे, फिर बीच की ओवरलैपिंग को इरेज करेंगे, उसके बाद सबसे अंत में नीचे की ओर हम लोग ओवरलैपिंग को इरेज करेंगे। स्केल की सहायता से आप सीधी लाइन खींचेंगे कुछ इस प्रकार से, उसके बाद इसी तरीके से पूरा नीचे तक आप कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे कलर किया हुआ है, लेकिन आप पेंसिल से सेट करेंगे और इस तरीके से हमारी संरचना पूर्ण।